मेष बजट चतुराई से आप समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। जिन परिस्थितियों के कारण आपका मूड खराब होता है उनसे बचने की कोशिश करें। पैसों की समस्या भी सुलझ जाएगी, खर्चों में कमी भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति में अच्छे बदलाव के योग हैं। आज आपको मेहनत से सफलता मिल सकती है। कोई खास काम करना पड़ सकता है। दूसरों की जरूरतें समझेंगे। समस्याओं का कोई नया और अलग समाधान निकालने में आप सफल हो जाएंगे। परिवार के कई खास मामले निपटा लेंगे। आपका ध्यान करियर के मामलों पर रहेगा। नेगेटिव पुराने दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। साथ के कुछ लोगों की बेवकूफियों के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। व्यवहार या कुछ आदतों के कारण भी आप दुखी हो सकते हैं। क्या करें? गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएं, लव प्रपोजल भेज सकते हैं। आपके लिए दिन अच्छा है। करियर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ऑफिस में विवाद के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नए भागीदार बनेंगे। आज किए गए सौदे फायदा दे सकते हैं। आलस्य के कारण पढ़ाई में रुकावट आने की संभावना बन रही है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। हेल्थ रक्त संबंधित विकार हो सकते हैं। सावधान रहे। वृषभ गोचर कुंडली के दसवें भाव में चंद्रमा होने से काम पूरे हो जाएंगे। नए काम करने की कोशिश और रूटीन काम निपटाने में भी दिन निकल सकता है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा है। आज होने वाले बिजनेस के सौदे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जो काम करने की आप सोच रहे हैं वो कर लेंगे तो सफलता मिल सकती है। आपसे मिलने वाले लोगों में से कुछ लोग जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। आपके करियर में विकास का रास्ता खुलेगा। परेशानियां खत्म हो सकती है। व्यावसायिक सफलता से खुशी मिल सकती है। जवाबदारी के काम भी ठीक से निपट जाएंगे। नेगेटिव आप थोड़ा संभल कर ही बात करें। वृष राशि वाले लोगों को मानसिक तनाव रहेगा। किसी खास काम को शुरू करने से पहले आपको कंफ्यूजन और हिचकिचाहट भी हो सकती है। क्या करें? शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सिर पर लगाएं। लव प्रेमियों के लिए समय अच्छा है। प्रेम या शादी के लिए किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। करियर काम की प्रगति की कोई बड़ी योजना भी आज बन सकती है। बिजनेस का मुनाफा कल मिलेगा। स्टूडेंट्स को मेहनत से ही सफलता मिल सकती है। हेल्थ सेहत ठीक ठाक रहेगी। छिटपुट चोट भी लग सकती है। संभल कर रहे। मिथुन पॉजिटिव दूसरों के साथ सहयोग और समझौता करने से ही आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में चल रहा कोई काम पूरी तरह सफल हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से भी मुलाकात के योग बन रहे हैं। दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। जिम्मेदारी बढ़ सकती है और आपको किस्मत का साथ भी मिलने की संभावना बन रही है। परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेंगे। ऑफिस में अधिकारियों के साथ गंभीर बातचीत भी हो सकती है। बिजनेस भी अच्छा चलेगा। भूमि भवन की समस्या भी खत्म होगी। शुद्ध कामों में रुचि होगी। महत्वपूर्ण कागजात भी संभाल कर रखें। नेगेटिव कोई नई चुनौती भी आपको मिल सकती है। आप इस बारे में थोड़े सावधान रहें कि दूसरों के सामने किस तरह पेश आते हैं, उनसे किस तरह अपनी बात रखते हैं। इनकम से ज्यादा खर्चा भी हो सकता है। इससे आपको परेशानी हो सकती है। आपका मूड भी छोटी छोटी बातों में बिगड़ सकता है। किसी की बात भी आज आपको चुभ सकती है। क्या करें? सूर्य को जल चढ़ाएं। लव मीठी लव लाइफ में अचानक बदलाव के भी योग बन रहे हैं। आपकी किसी बात से प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। करियर धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है। इंटरव्यू हो सकता है तो बहुत हद तक सफल रहेंगे। स्टूडेंट्स को आलस्य और तनाव रहेगा। हेल्थ मुंह संबंधी को परेशानी जैसे छाले या टॉन्सिल हो सकते हैं। कर्क पॉजिटिव कोई खास जानकारी भी मिलेगी। कुछ रिश्तों में संतुलन बनाने में आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आप दूसरों से किस तरह व्यवहार करते हैं। किसी कठिन या रहस्यपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान जा सकता है। दूर स्थान के दोस्तों से फोन पर बात होगी। आपका खर्चा बढ़ सकता है।
संतान से मदद मिल सकती है, जीवन साथी से महत्वपूर्ण और फायदेमंद सलाह मिल सकती है, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, नेगेटिव बिजनेस में सोचा हुआ फायदा ना होने पर परेशान हो सकते हैं, वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें, अपनी मनमर्जी का ही काम करने या कैश में आने से बचें। गोचर कुंडली के 8वें भाव के चंद्रमा के कारण आज आप दोस्तों के कारण परेशान भी रहेंगे। दोस्त किसी मतभेद को लेकर आपके निजी मामले पर टिप्पणी कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के मन में आपको और पैसों को लेकर कुछ तनाव भी बढ़ सकता है, सावधान रहे, फालतू भाग दौड़ भी हो सकती है। क्या करें, गणेश जी को लच्छा और हरा कपड़ा चढ़ाएं। लव, आपकी लव लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है, प्रेम संबंध में तनाव हो सकता है, जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है, करियर प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठीक ही रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा, कोई बड़ा फैसला ना ले तो ही अच्छा है, हेल्थ छोटे बच्चों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। सिंह, पॉजिटिव बिजनेस और काम धंधे में मन लगेगा, खास काम निपटाने की दिशा में तैयारी करें, सफलता मिल सकती है। दूसरों की जिन बातों को आप आज तक ठुकराते आ रहे थे वे आपको सही नजर आ सकती है, निजी जीवन में किसी तरह का बदलाव लाने के बारे में विचार कर सकते हैं, ऑफिस में जो समस्या थी वह आसानी से निपट जाएगी, घर का माहौल थोड़ा ठीक रहेगा, जो भी बात होगी आप उसे गहराई से समझने में सफल रहेंगे। मेहनत ज्यादा करनी है और कम से कम फायदे के लिए खुद को तैयार करना होगा, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, नेगेटिव फालतू खर्चा बढ़ सकता है, आज आप गलती से कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिसका असर आने वाले दिनों में आपके कामकाज या परिवार पर पड़ सकता है। क्या करें, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। लव लव लाइफ अच्छी रहेगी, जीवन साथी से उपहार मिलेगा, करियर धन लाभ के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, इस राशि के लोग जान बदलने का मूड बना सकते हैं, हेल्थ सेहत पर ध्यान दें, ज्यादा गर्म चीजें खाने से बचें। कन्या, पॉजिटिव, ऑफिस में टीम वर्क से सफलता मिल सकती है, आपकी मुलाकात सही व्यक्ति से हो सकती है, कामकाज में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए आपको कोई नई चीज सीखने की जरूरत है तो इसकी व्यवस्था भी हो सकती है, नौकरी पेशा लोग ऑफिस में अपनी स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में रहेंगे और सफल भी हो जाएंगे, काम पर ध्यान दें, आपको ऑफिस के कुछ कामों में बदलाव भी करना पड़ सकता है, कोई दोस्त आपकी मदद करने के लिए भी तैयार रहेगा, दिन भर कई तरह के लोगों से बातचीत हो सकती है, पारिवारिक जीवन में पुराने मामले सुलझने लगेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, संतान की उन्नति से खुशी हो सकती है, नेगेटिव आज होने वाली हर तरह की बातचीत में आपको सावधानी रखनी होगी, अपने ही किसी करीबी से मनमुटाव के योग भी बन रहे हैं, विवादों को टालने की कोशिश करें, सोचे हुए काम पूरे होने में थोड़ी परेशानियां भी आ सकती है। क्या करें, हनुमान मंदिर में सिंदूर से फैल स्वस्तिक बनाएं। लव दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी, प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहे, पार्टनर की भावनाएं समझ जाएं तो पार्टनर ज्यादा खुश होगा, करियर बिजनेस के लिए बड़ी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, बिजनेस बढ़ेगा, स्टूडेंट्स को मेहनत और कॉन्फिडेंस से सफलता मिलेगी, हेल्थ मानसिक तनाव रहेगा, नींद की कमी से सर दर्द भी हो सकता है। तुला, पॉजिटिव, नौकरी बदलने या वर्तमान जगह पर प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है, कुछ नए और अच्छे मौके जल्दी ही मिल सकते हैं, वेतन वृद्धि की बात मन में है तो उसे करने का तरीका सोच लें, पैसों की स्थिति पर विचार करें, बारीकियों पर ध्यान दें, तनाव और दबाव से भी मुक्ति मिल सकती है, ऑफिस के लोगों पर आपका प्रभाव बना रहेगा, एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं, उनसे आपको ही फायदा होगा, कई लोगों से बात करनी होगी या कई जगह ध्यान देना होगा, कोई नया प्रेम प्रसंग भी शुरू होने की संभावना बन रही है, नेगेटिव सावधानी से योजना बनाएं। तुला राशि वाले लोगों के लिए दिन चुनौतियों भरा हो सकता है, दूसरों के झमेलों में एक सीमा तक ही दखल दें,
आज आप बिना मांगे ही किसी की मदद करने से बचे, इससे आप ही परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। जोखिम और जवाबदारी के कामों में सावधानी रखें। किस्मत के भरोसे ना रहे तो ही अच्छा है। क्या करें, हल्दी का दूध पिए? दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव आज भी हो सकते हैं। आपको कोई गलत फहमी भी होने के योग है। करियर बिजनेस में उतार चढ़ाव के संकेत हैं। नौकरी में मेहनत भी ज्यादा रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ है। हेल्थ, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। वृश्चिक, पॉजिटिव धन लाभ के योग बन रहे हैं या कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, इससे आप खुश हो जाएंगे। आपको कई लोगों के बारे में नई और रहस्यपूर्ण बातें पता चल सकती है। आपके साथ काम करने वाले लोगों में से कोई आपकी टेंशन दूर कर सकता है। आज आप ईमानदारी पर टिके रहे, कोई फैसला करते ही आपको आराम हो जाएगा। मौजूदा काम ना छोड़ें और अपने विचार सही समय पर ही जाहिर करें। नेगेटिव फैसले करने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच समझ कर बात करें और अतिवादी विचार न रखें तो ही अच्छा है। आराम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। परिवार और दोस्तों की ओर से किसी चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। अचानक नुकसान का डर भी बना रहेगा। विपरीत लिंग के लोग भी नाराज हो सकते हैं। क्या करें, दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून पर खोपड़े का तेल लगाएं। लव लाइफ की कोई पुरानी परेशानी खत्म होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से विवाद होने के योग है। करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय अच्छा है। काम पूरे हो सकते हैं। ज्यादा काम करने से भी सिरदर्द हो सकता है। नया वाहन खरीद सकते हैं। नई योजना पर भी काम शुरू होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। सफलता मिलेगी। हेल्थ, पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। परहेज रखें। सेहत के मामले में भी लापरवाही ना करें। धनु, पॉजिटिव, आपकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा रहेंगी। करियर को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए आपको कोई आइडिया मिल सकता है। कोई सजेशन भी आज आपको मिल सकता है। जल्दबाजी के कारण पहले जो काम बिगड़ गए थे उनमें सुधार होने के योग हैं। आज आप खुद के बारे में जो भी फैसला करेंगे उससे फायदा हो सकता है। छुट्टी या यात्रा से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। लोगों से मिलने और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अच्छा समय है। खान पान पर कंट्रोल रखें। परिवार का कोई मामला आज सुलझ भी सकता है। नेगेटिव, किसी बात को तूल ना दें और ना ही किसी की बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करें। लोगों से मिलने जुलने और बातें करने में आपकी रुचि कम रहेगी। दोस्तों के साथ फालतू बातों में भी समय खराब हो सकता है। कार्यक्षेत्र या रूटीन लाइफ में बदलाव करने पड़ सकते हैं। आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आज आप पर दबाव बना सकता है। क्या करें, भैरव मंदिर में चमेली का तेल दान दें। लव पार्टनर की भावनाओं को समझने और उसके मन के घाव भरने का समय है। पार्टनर को टाइम देंगे तो संबंध मजबूत हो जाएंगे। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में सावधान रहना जरूरी है। व्यवहार लचीला रखें तो आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा। हेल्थ, भोजन में ध्यान रखें और मसालेदार चीजों से बचें। समय पर भोजन कर लें। मकर, पॉजिटिव, जिन सवालों के लिए आप परेशान थे उनके जवाब आज आपको मिल सकते हैं। आज जो नतीजे निकलेंगे वे आपके फेवर में हो सकते हैं। आप काफी व्यस्त और सक्रिय हो सकते हैं। आज आपकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है जिसका फायदा आपको मिलेगा। थोड़ा समय अपने दोस्तों और करीबी इंसान के लिए जरूर निकालें। ऑफिस में आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बुद्धिमानी से बोलकर आज आप अपने सोचे हुए काम पूरे करवा सकते हैं। कोई बड़ा फैसला भी आपको करना पड़ सकता है। अधिकारियों का ध्यान आप पर हो सकता है। कामकाज और पर्सनल लाइफ में अच्छा तालमेल हो सकता है। नेगेटिव, आपके सामने आने वाली समस्या भावनात्मक तौर पर बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण हो सकती है। विचित्र भावनाएं आपके मन पर हावी हो सकती है। गुस्सा ना करें वरना बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। सरकारी मामलों में आप उलझ सकते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है। नए अनुबंध करने से बचें।
क्या करें, किसी भी साधु या संत को मिठाई देकर प्रणाम करें। लदाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी भी हो सकती है, किसी बात पर विवाद हो सकता है, गुस्सा ना करें। करियर, नौकरी पेशा, लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है, प्रमोशन का रास्ता भी खुल सकता है। कुछ लोगों के लिए सितारों की स्थिति फेवरेबल रहेगी, स्टूडेंट्स को सीनियर्स का सहयोग मिल सकता है, हेल्थ सेहत के नजरिए से समय सामान्य है। कुंभ राशि, आपकी राशि में चंद्रमा होने से काम पूरे हो जाएंगे, समय के साथ सब ठीक भी हो सकता है, महत्वपूर्ण काम और फैसले आज होने के योग बन रहे हैं, आप जोश में काम करते रहेंगे, बिजनेस में सफलता मिल सकती है, दोस्तों से फायदा हो सकता है, आपकी इनकम भी सामान्य रहेगी, पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, पैसा निवेश करने के नए तरीके आपके दिमाग में आ सकते हैं, साझेदारी के कामों में फायदा हो सकता है, ऑफिस के जरूरी काम भी पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, कुछ लोगों के साथ बातचीत थोड़ी तीखी हो सकती है, ऑफिस में कुछ उठापटक होने के भी योग हैं, जिससे आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आपको कुछ चुनौतियां भी मिल सकती हैं, कुछ भीगते समय सावधान रहे, आज किसी भी बात को लेकर जितनी ज्यादा जिद करेंगे समस्या उतनी ही बढ़ेगी। क्या करें, हनुमान मंदिर में लाल लंगोट चढ़ाए, लव पार्टनर दिल में छुपी हर बात कहेगा, कुछ नया सुनने के लिए तैयार रहे। करियर, निवेश के मामलों में सावधान रहना होगा, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर निवेश करें, कार्यक्षेत्र में भी सहयोग मिल सकता है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, हेल्थ सिरदर्द रहेगा, आंखों की समस्या भी हो सकती है। मीन पॉजिटिव, कुछ नए काम करने की प्लानिंग हो सकती है, आज आप प्रमोशन या नई नौकरी पाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कोई चुनौती पूर्ण काम भी दिया जा सकता है, उसे आप अच्छे से निपटा भी लेंगे, नौकरी बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं, कठिन विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आज आप नजरिए में बदलाव महसूस कर सकते हैं, बिजनेस में नए अनुबंध हो सकते हैं, आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, शुभ कामों की योजनाएं बन सकती है, बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, देर शाम दोस्तों के साथ मीटिंग हो सकती है। नेगेटिव, सेहत संबंधी चिंता रहेगी, थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है, पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, आज आप थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं, खाने सुनने या समझने में गलतफहमी होने की संभावना बन रही है, करियर में दबाव की स्थिति में आ सकते हैं। क्या करें, माता जी के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं, लव जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, समय निकालने की कोशिश करें, करियर प्रमोशन के लिए कोशिश करेंगे, कागजों पर हस्ताक्षर करने के पहले एक बार जांच लें, लेन देन में ध्यान रखें, स्टूडेंट्स मेहनत ज्यादा करेंगे लेकिन उसके नतीजे कुछ कम ही मिल पाएंगे, हेल्थ सेहत में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। Thank you.